रात एक सीरियल देख रही थी, छोटी सरदारनी, और उसमें जो हीरोइन है, जो आगे चल के छोटी सरदारनी बनने वाली है, मेहर, उसकी उसके भाई और उसके परिवार के लोग शादी कर देते हैं जबरदस्ती, जबकि उन्हें पता होता है कि वो प्रेग्नेंट है। और भी एक कहानी जुड़ी हुई है इसके साथ। वो अपने ससुराल में जाती है और जाते ही अपने पति को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस चीज का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें अंदर से बहुत परेशान करती हैं, और ये बात सिर्फ लड़की को पता होती है कि वो किसे प्यार करती है, कौन उसका प्रेमी है और किसके बच्चे की वो माँ है। ऐसा ही एक जिक्र अमृता प्रीतम जी ने भी किया है, उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस कहानी से पहले ये कहानी उनके दिमाग में कैसे आई, जिसका नाम है अंदर के कपड़े जिन्हें कोई देख नहीं पाता। उसके बारे में उन्होंने लिखा कि जिसके मन की पीड़ा को लेकर के मैंने ये कहानी लिखी थी, नीचे के कपड़े, उसका नाम मैं भूल गई हूँ। कहानी में सही नाम लिखना भी नहीं था और उससे एक बार मुलाकात हुई थी, इसलिए नाम मुझे याद भी नहीं था। जब वह मिलने आई थी तो बीमार थी, खूबसूरत थी, पर रंग और मन दोनों उतरे हुए थे। एक ही विश्वास को लेकर के आई थी कि मैं उसके हालात पे एक कहानी लिख दूं। मैंने उनसे पूछा क्या होगा, कहने लगी जहां जहां वह चिट्ठियां पड़ी हैं जो मैं अपने हाथों से फाड़ नहीं सकती, उन्हीं चिट्ठियों में मैं कहानी रख दूंगी। मुझे लगता है मैं बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी, और बाद में जब उन चिट्ठियों से कोई जान जाएगा तो मुझे वह नहीं समझेगा जो मैं हूं। आप अपनी कहानी लिखेंगी तो मैं कहानी वही रख दूंगी। हो सकता है उसकी मदद से कोई मुझे समझ ले, मेरी पीड़ा को संभाल ले। मुझे और किसी का कुछ फिक्र नहीं है, पर मेरा एक बेटा है, वह अभी छोटा है। वह बड़ा होगा तो मैं सोचती हूँ कि बस वह मुझे गलत ना समझे। उसकी जिंदगी के हालात सचमुच बड़े उलझे हुए थे और मेरी पकड़ में नहीं आ रहे थे। ये अमृता जी कह रही हैं कि मेरी पकड़ में नहीं आ रहे थे। मैं उन्हें कैसे समेट पाऊंगी, लिखने का वादा तो नहीं किया पर कोशिश की कि हाँ लिखूंगी कभी। और मैं बहुत दिन तक वह कहानी लिख नहीं पाई, सिर्फ एक एहसास सा बना रहा कि उसका बच्चा जो था वो मुझे याद आता रहा, मेरे जहन में वो बड़ा हो रहा था, इतना बड़ा कि अब बहुत सी चीजें उसके हाथ में लगती हैं तो वह हैरान होकर उनको देखे जा रहा है। खैर, कहानी प्रकाशित हुई और बहुत दिन गुजर गए, मैं जान नहीं पाई कि उसके हाथों तक वो पहुंची या नहीं। सब वक्त के सहारे छोड़ दिया, उसका कोई अता पता मेरे पास था नहीं। एक अरसा गुजर गया था जब एक दिन फोन आया, दिल्ली से नहीं था लेकिन बाहर से था। आवाज थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कहानी वहीं रख दी है जहां मैं चाहती थी। इतने भर लफ्जों से कुछ पकड़ में तो आया नहीं था, इसलिए पूछा आप कौन बोल रही हैं, कौन सी कहानी। जवाब में बस इतनी सी आवाज थी, बहुत दूर से बोल रही हूँ, वही जिसकी कहानी आपने लिखी है, नीचे के कपड़े। और फोन कट गया। अब मैंने नीचे के कपड़े का जिक्र किया है तो कहानी भी आप सुन लीजिए, आपको अच्छी लगेगी। नीचे के कपड़े। अचानक मेरे सामने कई लोग आकर खड़े हो गए हैं जिन्हें कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है। पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था कि खानाबदोश औरतें अपनी कमर से अपनी घघरी कभी उतारती नहीं है। मैली घघरी बदलनी हो तो सिर से नई घघरी पहनकर अंदर से मैली घघरी उतार देती हैं, और जब किसी खानाबदोश औरत की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को स्नान कराते समय भी उसके नीचे की घघरी सलामत रखी जाती है। कहते हैं कि अपनी कमर पर पड़ी नेफे की लकीर में अपनी मोहब्बत का वे राज खुदा की मखलूक से छिपा के रखा होता है उन्होंने। वहां वे अपनी पसंद के मर्द का नाम गुदवा के रखती हैं जिसे खुदा की आंख के सिवा कोई नहीं देख सकता। और शायद यही रिवाज मर्दों के तहमदों के बारे में भी होगा, लेकिन ऐसे नाम गोदने वाला जरूर एक बार औरतों और मर्दों की कमर के नीचे की लकीर देखता होगा। उसे शायद एक पल के लिए खुदा की आंख नसीब हो जाती होगी क्योंकि वह खुदा की मखलूक की गिनती में नहीं जाता। लेकिन मेरी आंख को खुदा की आंख वाला शाप क्यों मिल गया? मैं अपने सामने ऐसी औरतें और मर्द क्यों देख रहा हूँ
जिन्होंने कमर के नीचे कोई कपड़ा नहीं पहन रखा, जिन्हें देखना सारी मखलूक के लिए गुनाह है। कल से माँ अस्पताल में है, उसके प्राण उसकी सांसों के साथ डूब उतर रहे हैं। ऐसा पहले कई बार हुआ और 2 बार पहले भी उसे अस्पताल ले जाया गया था, पर इस बार शायद उसके मन को जीने का विश्वास नहीं बन रहा है। अचानक उसने उंगली से मुझे हीरे वाली अंगूठी उतारी और मुझे देकर कहा, घर जा और उसकी लोहे वाली अलमारी के खाने में रख दे। अस्पताल में अभी दादी भी आई हुई थी, पापा भी, मेरा बड़ा भाई भी, लेकिन माँ ने न जाने क्यों ये काम उन्हें नहीं सौंपा। हम सब लौटने लगे थे जब माँ ने इशारे से मुझे ठहरने के लिए कहा। सब चले गए तो उसने तकिए के नीचे से एक मूसा हुआ सा रुमाल निकाला जिसके कोने में 2 चाबियां बंधी हुई थी। रुमाल की कसी हुई गांठ खोलने में उसे काफी शक्ति लगानी पड़ी, इसलिए वो गांठ मैंने खोली। तब तक एक चाबी की ओर इशारा करके उसने मुझे ये काम सौंपा कि मैं उसके हीरे की अंगूठी अलमारी के अंदर खाने में रख दूं। यह भी बताया कि अंदर वाले की चाबी मुझे उसी अलमारी के एक डिब्बे में पड़ी हुई मिल जाएगी। और फिर माँ ने धीरे से ये भी कहा कि मैं बम्बई वाले चाचा जी को एक खत डाल दूं दिल्ली आने के लिए। दूसरी चाबी उसने उसी तरह रुमाल में लपेट कर अपने तकिए के नीचे रख ली। और जिस तरह तकदीरें बदल जाती हैं उसी तरह चाबियां भी बदल गईं। घर में रोज के इस्तेमाल की माँ की एक अलमारी है, लेकिन फालतू सामान वाली कोठरी में लोहे की एक और अलमारी है जिसमें फटे पुराने कपड़े पड़े रहते हैं। पापा के ट्रांसफर के समय के वह अलमारी लगभग टूट ही गई थी, पर माँ ने उसे फेंका नहीं था और साकड़ भाकड़ वाली उस अलमारी को फालतू कपड़ों के लिए रख लिया था। घर पहुंच के मैं माँ की अलमारी खोलने लगा तो वह खुलती नहीं थी। चाबी मेरी तकदीर की तरह बदली हुई थी। हाथ में थमी हुई हीरे की अंगूठी को कहीं संभाल के रखना था, इसलिए मैंने सामान वाली कोठरी की अलमारी खोल दी। ये चाबी उस अलमारी की थी। इस अलमारी में भी अंदर का खाना था। मैंने सोचा उसकी चाबी भी जरूर इसी अलमारी में किसी डिब्बे में मिलनी है, और मैं फटे हुए कपड़ों की तह खोलने लग गया। पुराने उधड़े हुए सलमे के कुछ कपड़े थे जो माँ ने शायद उनका सुच्चा सलमा बेचने के लिए रखे हुए थे, और पापा के गर्म कोट भी थे जो शायद बर्तनों को बदलने के लिए माँ ने संभाल के रखे हुए थे। मैंने एक बार गली में बर्तन बेचने वाली औरतों से माँ को देखा था पुराना कोट के बदले में बर्तन खरीदते हुए। मैं हैरान हुआ, माँ ने वे सब टूटे हुए खिलौने भी रखे हुए थे जिनसे मैं छुटबन में खेला करता था। देखकर एक दहशत सी आ गई। चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी इस तरह उल्टी हुई थी जैसे पटरी से गिर गई हो, और उस भयानक दुर्घटना से उसके सभी मुसाफिर घायल हो गए हैं। प्लास्टिक की गुड़िया जो एक आंख से कानी हो गई थी, रबड़ का हाथी जिसकी सूंड बीच से टूट गई थी, मिट्टी का घोड़ा जिसकी अगली दोनों टांगे कट गई हो, और कुछ खिलौनों की सिर्फ टांगे और बाहें बिखरी पड़ी थी जैसे उनके धड़ और सिर उड़कर कहीं दूर जा पड़े हों और अब उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। मेरे शरीर में कंपन सा दौड़ गया। देखा कि इन घायल खिलौनों के पास ही मिट्टी की बनी शिव जी की मूर्ति थी जो दोनों बाहों से लुंजी हो चुकी थी। लुंजी माने उनके अपाहिज सी हो गई थी, और ख्याल आया जैसे देवता भी अपाहिज होकर बैठा हुआ है। यहाँ तक याद आया, लगा कि मेरा बचपन बहुत खुशी से बीता। बड़े भाई के जन्म के 7 वर्ष बाद मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरे बहुत लाड हुए। तब तक वैसे भी पापा की तरक्की हो चुकी थी, इसलिए मेरे वास्ते बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे खिलौने खरीदे जाते थे, लेकिन पूरी यादों के लिए इन टूटे खिलौनों की माँ को क्या जरूरत थी समझ नहीं आया। सिर्फ खिलौने ही नहीं, मेरे फटे हुए कपड़े भी तहों में लगे हुए थे। टूटे हुए बटनों वाले छोटे छोटे कुर्ते, टूटी हुई तनियों वाले जबले और फटी हुई जुराबें भी। और फिर मुझे एक रुमाल में बंधी हुई वह चाबी मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था। अलमारी का अंदर वाला खाना खोला ताकि हीरे की अंगूठी में उसमें रख दूं। यह वह घड़ी थी जब मैंने देखा कि उस खाने में सिर्फ नीचे पहनने वाले कपड़े पड़े हुए हैं, और अचानक मेरे सामने वे लोग आकर खड़े हो गए जिनके सिर ढके हुए हैं, बाहें भी, ऊपर के शरीर भी, लेकिन कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं है। प्रलय का समय शायद ऐसा ही होता होगा, मालूम नहीं। मेरे सामने मेरी माँ खड़ी हुई है, पापा भी, बम्बई वाले चाचा भी, और कोई एक मिसेस चोपड़ा भी, और एक कोई मिस नंदा भी जिन्हें मैं जानता नहीं। और खोए हुए से होश से मैंने देखा कि उनके बीच में
मैं भी कहीं गुच्छा सा बन के बैठा हुआ हूँ। ना जाने ये कौन सा युग है, शायद कोई बहुत ही पुरानी सदी, जब लोग पेड़ों के पत्तों से अपने को लपेटा करते थे और फिर पेड़ों के पत्ते कागज जैसे कब हो गए नहीं जानता। अलमारी के खाने में सिर्फ एक कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं, बहुत से कागज जिन पर हर एक के तन की व्यथा लिखी हुई है, तन के ताप जैसी, तन के पसीने जैसी, तन के गंध जैसी। ये सब खत है मुंबई वाले चाचा जी के और मेरी माँ के नाम। तरह तरह की गंध मेरे सिर को चढ़ रही है, किसी खत से खुशी और उदासी की मिली जुली गंध उठ रही है। लिखा है बीनू, जो आदम और हवा खुदा के भय से निकले गए थे, वह आदम मैं था और हवा तुम थी। किसी खत से विश्वास की गंध उठ रही है बीनू, मैं समझता हूँ कि पत्नी के तौर पे तुम अपने पति को इनकार नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारा जिस्म मेरी नजर में गंगा की तरह पवित्र है और मैं शिव जी की गंगा को जटा में धारण कर सकता हूँ। किसी खत से निराशा की गंध उठ रही है, मैं कैसा राम हूँ जो अपनी सीता को रावण से छुड़ा नहीं सकता। न जाने क्यों ईश्वर ने इस जन्म में राम और रावण को सगे भाई बना दिया। किसी खत से दिलजोई की गंध उठ रही है, विनु तुम मन में गुनाह का एहसास न किया करो, गुनाह तो उसने किया था जिसने मिसिस चोपड़ा जैसी औरत के लिए तुम्हारे जैसी पत्नी को बिसार दिया था। और अचानक एक हैरानी की गंध मेरे सिर को चढ़ी जब एक खत पड़ा, तुम मुझसे खुश नसीब हो बीनु, तुम अपने बेटे को बेटा कह सकती हो लेकिन मैं अपने बेटे को कभी अपना बेटा भी नहीं कह सकूंगा। और अधिक हैरानी की गंध मेरे सिर में एक और दरार डाल गई जब एक दूसरे खत में मैंने अपना नाम पढ़ा, लिखा था मेरी जान बीनु अब तुम उदास न हुआ करो, मैं नन्हे से अक्षय की सूरत में हर वक्त तुम्हारे पास रहता हूँ, दिन में तुम्हारी गोद में खेलता हूँ और रात को मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ, और मैं जिंदगी के 19 बरस जिसे पापा कहता रहा, अचानक उस आदमी के वास्ते ये लफ्ज मेरे होंठ पर झूठा पड़ गया। बाकी के खत मैंने पूरे होशो हवास में नहीं पढ़े, लेकिन इतना जाना कि जन्म से लेकर के मैंने जो भी कपड़ा शरीर पर पहना है वह माँ ने कभी अपने पति की कमाई से नहीं खरीदा था, मिट्टी का खिलौना तक भी नहीं, मेरे स्कूल की और कॉलेज की फीसें मैं घर के खर्च से नहीं देती थी। यह भी जाना कि मुंबई में अकेले रहने वाले आदमी से कुछ ऐसी बातें भी हुई थी जिनके लिए कई खतों में माफिया मांगी गई है, और उस सिलसिले में कई बार किसी मिस नंदा का नाम लिखा गया है जो खत लिखने वाले की नजरों में एक आवारा लड़की थी जिसने मेनका की तरह एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी, और कई खतों में माँ की झिड़कियां सी दी गई हैं कि ये सिर्फ उसके मन का वहम है जिनके कारण वे बीमार रहने लगी है। यह माँ, पापा, चाचा, मिसिस चोपड़ा, मिस नंदा कोई भी खानाबदोशों के काफिलों में से नहीं है, पर खानाबदोशों की परंपरा शायद सारी मनुष्य जाति पर लागू होती है। सबकी घघरियों और उनके तहमदों पर, जहाँ उनके शरीर पर पड़ी उनके नेफे की लकीर पर लिखा हुआ है नाम ईश्वर की आंख के सिवा किसी को देखना नहीं चाहिए, और पता भी नहीं लगता कि आज मेरी आंख को ईश्वर वाला शाप क्यों लग गया है। सिर्फ ये जानता हूँ कि ईश्वर की आंख ईश्वर के चेहरे पर हो तो वरदान है, लेकिन इंसान के चेहरे पर लग जाए तो शाप हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कपड़ों के नीचे की। मैंने आपको अमृता जी की कहानी सुनाई, आपको ये कहानी कैसी लगी? काफी उलझे हुए रिश्तों की ये कहानी है, आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।